बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल रंग का कपड़ा इस्तेमाल करना कैसा है, मुकम्मल तफसील शुरू से लेकर आखिर तक जितने मसाइल हैं लाल रंग के कपड़े के बारे में इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जैसा कि कशफुल बारी में सफर नंबर 209, अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है हदीस नंबर 4069 पे, बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 5838 पे, इसके अलावा फिकही किताबों में भी ये मसाइल तफसील के साथ मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो ये साफ कर दूं, ये बात बहुत बिल्कुल वाज़े तौर पर आपके सामने बयान करूं, औरतों के लिए लाल रंग का कपड़ा बिला कराहत जायज है, कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन हां, मर्दों की जहां तक बात आएगी उसमें तफसील है। मर्द अगर कपड़ा इस्तेमाल करता है, पहना नहीं है, जिस्म से लगाया हुआ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आमतौर पे इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल लाल रंग का कपड़ा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हां, अगर कपड़ा पहन रहा है, जिस्म से जो है टच है और इस्तेमाल में लाया हुआ है वो कपड़ा, अब उसमें मसला आएगा जरा। वो क्या है? अगर कपड़ा मुकम्मल लाल है, मुकम्मल, कहीं पर भी कोई दूसरा रंग नहीं है, पूरे कपड़े में पूरे के पूरा कपड़ा लाल है, और लाल कैसे, वो भी बहुत गाढ़ लाल, बहुत जो है ज्यादा लाल है, ऐसे हल्का फुल्का लाल नहीं है, बहुत ज्यादा सुर्ख है, बहुत ज्यादा सुर्ख, देखने से पता चलता है जैसे खून है, वो इतना सुर्ख है, तो ऐसी सूरत में उस कपड़े का इस्तेमाल मर्दों के लिए नाजायज है, मकरूह है। और जो मैंने नाजायज का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बाज फुकहा के अकवाल हैं, बाज ने इसे मकरूह तंजीही में भी रखा है, बहरहाल जो भी हो मकरूह जरूर है, अमल इस तरह पसंदीदा अमल नहीं है मर्दों के लिए। औरतों के लिए तो जायज है, मैं बता चुका हूं आपको, औरतों के लिए कोई सवाल नहीं, वो तो बिल्कुल जायज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तफसील वफसील नहीं है उसमें। अब अगर लाल है पूरा कपड़ा, लेकिन गाढ़ लाल नहीं है, हल्का लाल है, बहुत ज्यादा सुर्ख नहीं है, हल्का सा सुर्ख है, ऐसी सूरत में बिल्कुल जायज है, कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं। अब एक और मसला समझ लीजिए, मुकम्मल लाल तो है, गाढ़ लाल है, लेकिन मुकम्मल कपड़ा नहीं है, कपड़े में कहीं दूसरी जगह कोई और कलर भी है लाल के अलावा, लाल पूरा सुर्ख लाल तो है, गाढ़ लाल तो है, लेकिन कपड़े में कहीं दूसरी जगह और कलर भी हैं, ऐसी सूरत में भी जायज है, कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं है। ये तमाम मसाइल हदीस की रोशनी में आपके सामने फुकहा की किताबों को सामने रख के बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।